Good morning. Welcome to the President online class. Today we will discuss about new chapter addition. Addition means क्या होता है? जोड़. ठीक है? आज हम लोग discuss करेंगे एक नए chapter जोड़ के बारे में. ठीक है? क्या होता है जोड़? पहले हमको क्या-क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं. हमको पढ़ना ये है addition. जोड़ के बारे में पढ़ना है. Add and match. जोड़ और मिलान. मतलब जोड़ना है और उसको मिलाना भी है. Write the missing numeral. हमको जो छूटी हुई न्यूमरल्स है, जो छूटे हुए अंक हैं, उसको हमको लिखना है. ठीक है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं एडिशन क्या होता है. द एडिशन इज टेकिंग टू और मोर नंबर एंड एडिंग देम टुगेदर. दैट इज इट इज द टोटल सम ऑफ टू और मोर नंबर. एडिशन वो होता है जब दो या दो से अधिक संख्याओं को एक साथ जोड़ा जाए तो जो उसका सम निकल कर आता है. ठीक है? जो उसका योग आता है, सम मीन्स होता है योग, उसको हम लोग बोलते हैं जोड़. फॉर एग्जांपल 7 + 4 = 11. ठीक है? ये जो प्लस है, ये साइन का प्लस, ये प्लस जो है ये हमारा ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि ये हमको क्या करना है, संख्याओं को जोड़ना है, नंबर्स को ऐड करना है. ठीक है? तो हमारा एक नंबर है 7 और एक नंबर है 4. तो 7 एंड 4 को मैंने ऐड कर दिया एक साथ दोनों को, तो हमारा हो गया 11. ठीक है? तो क्या होता है एडिशन? द एडिशन इज टेकिंग टू और मोर नंबर एंड एडिंग देम टुगेदर. मतलब कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं को एक साथ जोड़ा जाए, ठीक है, तो हमको आउटपुट क्या मिलता है? एक कोई ना कोई एक आउटपुट मिलता है, उसका सम मिलता है. दो या दो से अधिक संख्याओं को मैं जोड़ूंगा तो उसका कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा आउटपुट. वो जो सम है वो हमारा हो गया एडिशन. ठीक है? दोनों को मैंने जोड़ दिया एक साथ और मुझे क्या मिला? एक सम मिला, दोनों का एक योग मिला, वो हो गया मेरा जोड़. ठीक है? अब इस पर हम लोग कुछ वर्कशीट है वो कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 + 7 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? जैसे हमारे पास कोई संख्या 0 है और 0 में मैंने ऐसे 7 ऐड कर दिया तो हमारा 7 ही हुआ. ठीक है? अब आ गया हमारा 3 + 3 इक्वल टू, मैं ऐसे भी लाइन ड्रॉ करके भी कर सकता हूँ, 1 2 3. 3 के लिए मैंने 3 लाइन ड्रॉ कर दिया. एंड नेक्स्ट जो 3 है इसके लिए भी मैंने 3 लाइन ड्रॉ कर दिया, 1 2 3. अब जितनी भी लाइन ड्रॉ किया मैंने, अब सबको मैं काउंट करूँगा, जैसे 1 2 3 4 5 6. ठीक है? 6 हो गया. यह मेथड है. अब आप लोग ये ऐसे उंगली पे भी गिन सकते हो. ठीक है? ऑन फिंगर भी गिन के आप बता सकते हो काउंट करके कि 3 + 3 = क्या होता है? 6. अब यहाँ पे है 1 + 1 = 2. 8 + 8 = 16. ऐसे करके जितने सारे वर्कशीट हैं आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए. ठीक है? नंबर दूसरा है वर्कशीट हमारा 9 + 4 = 13. ठीक है? ऐसे करके आप लोग पूरा ये भी कंप्लीट करिएगा. और नंबर थर्ड वर्कशीट है, अगर कोई भी डाउट्स हो ऐड करने में या एडिशन कोई भी समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछिएगा हमसे. ठीक है? थैंक यू.